100 बरसों के बाद भी रानी चित्रा अभी तक जवान और खूबसूरत थी। विवाह के अगले दिन ही विवाह करने वाला फिर कभी दिखाई नहीं देता था। क्या था रानी की उम्र का रहस्य? कभी कभी कुछ बातें इंसान की समझ से परे होते हैं। ऐसी ही बिल्कुल समझ से बाहर थी रानी चित्रा। रानी चित्रा किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कारण था रानी की सुंदरता। कहते थे रानी ने उम्र को बंदी बना लिया है। रानी 100 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी भी 25 वर्ष की भांति जवान और खूबसूरत थी। विश्वास के परे था, इसीलिए तो लोग चमत्कार कहते थे। रानी एक विशाल साम्राज्य की रानी थी। कहना था कि उसे अमरता का वरदान प्राप्त है। समय समय पर कई तरह के कायस रानी के लिए लगाए जाते थे। मानना था कि रानी के पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे वो अभी तक युवा अवस्था में ही है। रहस्यमय होने के कारण रानी का सम्मान और उसे डरना स्वाभाविक था। भरी सभा में जब वो आती थी, तब उसकी सुंदरता को देख लोग आश्चर्य से भर जाते थे। एक विशाल सिंहासन पर वो बैठती थी और स्वर्ण जड़ित वस्त्र। रानी के जूड़े में विशेष गुलाब होते थे। लोगों का मानना था कि वो गुलाब भी नहीं मुरझाते हैं। रानी सुंदर थी और ऊपर से हमेशा जवान रहने वाली रानी कौन नहीं चाहेगा। इसीलिए रानी पर मोहित होने वाले राजकुमारों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन रानी के यह रहस्य ही नहीं, बल्कि एक रहस्य और था कि अब तक रानी कई बार विवाह कर चुकी है, लेकिन रानी के विवाह ज़्यादा नहीं टिकते। पहली रात के बाद ही रानी जिससे भी विवाह करती वो फिर नज़र नहीं आता। एक रहस्य से भरी रानी और रानी की इतनी रहस्यमय बातें पता होने के बाद भी रानी के ऊपर मन मिटने वालों की कमी नहीं थी। एक अजीब सम्मोहन था जो सबको उसकी ओर खींचता था। जिज्ञासा बस ही कई रानी का होना चाहते थे कि आखिर रानी के पास ऐसा क्या है जिसे वो 100 वर्षों के बाद भी अभी तक ज्यों की त्यों बने। पड़ोसी राज्य का एक युवा राजकुमार अब रानी पर मोहित हो गया था। रानी को प्रस्ताव दिया कि वो उनसे विवाह करना चाहता है। बड़ा बहादुर था। कई दिनों के बाद उसने यह निर्णय किया था। रानी को मिलने वो सभा में आया। रानी ने कहा कि मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो? राजकुमार ने बोला, ना करने की एक वजह आप बता दीजिए। हमेशा युवा और इतना रहस्य, इसे मैं अपनाना चाहता हूँ। रानी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले मर्द पहली रात ही राजमहल छोड़कर भाग जाते हैं। राजकुमार बोला कि वो भागने वालों में से नहीं है। रानी बोली, हमने यह दावे पहले भी सुने हैं, लेकिन जिस आश्चर्य को देखने वो आते हैं उसे देखने के बाद किसी को दिखाई नहीं देते हैं। कई दिनों तक रानी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार अड़िक रहा। रानी ने कहा कि हमने तुम्हें बहुत समझा दिया, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होंगे। रानी का विवाह एक बार फिर होना तय हुआ। राज्य में फिर से चर्चा का विषय बन गया। सभी लोगों का मानना था कि पिछले बार की तरह यह राजकुमार भी एक रात के बाद अदृश्य हो जाएगा। रानी के चेहरे पर एक अभिमान वाली मुस्कान थी। सारे राज्य को सजाया गया और रानी का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। बस अब था
उस रात का इंतजार, जिस रात में कई रहस्य हैं, जिस रात के बाद रानी के कोई राजकुमार फिर दिखाई नहीं देता था। रानी और राजकुमार की सुहाग रात के लिए रानी का कक्ष विशेष रूप से सजाया गया। राजकुमार रानी के कक्ष में आया, उसे कुछ अजीब चीज़ें नज़र आई। उसे कक्ष के भीतर एक पिंजरा दिखाई दिया जिसका दरवाज़ा खुला था। रानी बिस्तर पर बैठी थी। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। उसे पता था कि रानी के कक्ष में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसे जगा रहना है। रानी ने कहा, क्यों इतने भयभीत हो, आज हमारी सुहाग रात है। रानी खड़ी होकर राजकुमार के पास आ गई। रानी उसे पिंजरे के मुंह के पास ले गई। रानी ने अब राजकुमार की आंखों में देखना शुरू किया। राजकुमार रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खो गया। राजकुमार ने रानी के बाल खोलना चाहे, उसके जूड़े को हाथ लगाया और उससे लगे गुलाब के फूलों को निकालना चाहा। रानी डर गई और तुरंत ही राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। रानी को डरते देख राजकुमार रुका, फिर सोचा, हो ना हो इसमें ही कुछ राज है। उसे पता चल गया था कि इन फूलों में कुछ रहस्य है। रानी के माना करने पर वो उस समय रुक गया, लेकिन उसके मन में यही था कि अब उसे इन फूलों को निकालना है। राजकुमार ने रानी को थोड़ी देर सहलाया, फिर एकदम से उसके गुलाब को जूड़े से निकाल दिया। रानी जोर से चिल्लाई, कहा था ना उसे मत छूना। एक गुलाब निकलते ही रानी कुछ वर्ष अधिक आयु की हो गई। रानी अब गुस्से से लाल हो गई। राजकुमार बोला, अच्छा तो यह है तुम्हारी आयु का रहस्य। अभी एक गुलाब निकाला है, अगर पूरे गुलाबों को निकाल दिया जाए तो तुम पूरी वृद्ध हो जाओगी। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे अब भी तुम बता सकती हो आखिर यह गुलाब क्या है और तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। रानी डरी और राजकुमार के पास आई, बोली कि अगर तुम मुझे यह गुलाब दे दो तो मैं तुम्हें सच बता दूंगी। राजकुमार ने गुलाब दिया और रानी ने गुलाब लेते ही राजकुमार को पिंजरे के अंदर धक्का मारा। पिंजरे के भीतर जाते ही राजकुमार एक गुलाब का फूल बन, और रानी फिर जोर से हंसते हुए बोली, ले देख ले, तेरे जैसे कितने राजकुमारों को मैंने गुलाब बनाकर अपने जोड़ों में लगा लिए और उनकी आयु ही मुझे मिलने से अभी तक जवान हूँ। रानी ने पिंजरे से गुलाब उठाया और अपने जोड़ों में लगा लिया। यह पिंजरा है रानी की आयु का रहस्य। रानी फिर सुबह सभा में गई और इस बार फिर राजकुमार रात के बाद दिखाई नहीं दिया, लेकिन रानी के जूड़ों में एक और फूल सज गया। लेकिन रानी के जूड़ों में एक फूल और जुड़ गया था। यही था रानी चित्रा के रहस्यमय कहानी। मेरा कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।